लेट अस डिस्कस। जो हमने लास्ट टॉपिक करवाया था उसी की डिस्कशन करते हैं। सुनो, वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सो बिफोर आई स्टार्ट विद दैट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर एक ओरिजिन कंसीडर किया जहां पर हमने प्लस क्यू चार्ज को रखा हुआ है। दिस इज योर ओरिजिन। नाउ ओरिजिन से सपोज करो ये आपका पॉइंट पी है, ठीक है, आपका पॉइंट ये पी है। नाउ पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना है। उस पी तक का जो डिस्टेंस है दैट इज आर। नाउ पी से पी सर्टेन डिस्टेंस पर पी okay, हमारे पास एक पॉइंट बी है एंड पॉइंट ए है। नाउ ए पॉइंट जो है वो आपका इंटरमीडिएट पॉइंट है। नाउ इंटरमीडिएट पॉइंट है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। चल ठीक है, और ये 1 कूलम चार्ज है। चल नाउ अभी यहाँ पर बी और ए के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज डी एक्स, एंड ओ से ए तक का जो डिस्टेंस है दैट इज एक्स, ठीक है, और यहां से आप आगे जा रहे हो इनफाइनाइट तक। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, लेट पी बी द पॉइंट एट अ डिस्टेंस आर, फ्रॉम द ओरिजिन ओ एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो हमने क्या बोला बच्चों यहाँ पर कि पॉइंट पी है जहां पर हमें प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है वो फाइंड करना है। ओके, ये पॉइंट पी है जहां पर प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल जनरेट होता है वो हमें फाइंड करना है। ना द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन
इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू पी। ठीक है, क्या लिखा हमने यहाँ पर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू पी। मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पर सपोज करो आपके पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज 1 कूलम जितना चार्ज रखा हुआ है, उसको इनफाइनाइट से पी पॉइंट तक लेके आने के लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है उसको बोला जाता है पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। एज वी नो वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ वी चूज कन्वीनियंट पाथ। अलोंग रेडियल डायरेक्शन फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन ठीक है। हमने यहाँ पर एक कन्वीनियंट पाथ को चूज किया जो कि रेडियल डायरेक्शन में है फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट पी विदाउट एक्सेलरेशन चार्ज को लिया जा रहा है। नाउ चले यहाँ पर हम एक इंटरमीडिएट पॉइंट कंसिडर करते हैं ए। लेट ए बी एन इंटरमीडिएट पॉइंट ऑन दिस पाथ ओ ए इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, जहां पर हमने ओ ए की वैल्यू एक्स ले लिया है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज के इज गिवन बाय F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 1/x² क्योंकि जो फर्स्ट चार्ज है वो क्यू है और सेकेंड चार्ज है वो यूनिट है यानी कि 1 है। अच्छा, और उसकी डायरेक्शन होता है अलोंग ओ ए। उसके डायरेक्शन क्या होता है बच्चों? अलोंग ओ ए होता है ना। स्मॉल वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ओके पॉजिटिव चार्ज थ्रू अ डिस्टेंस डी एक्स
बाय डब्ल्यू फॉर डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स, यानी कि एफ डी एक्स कॉस 180। अच्छा चलो बच्चों देखो, यहाँ पर जो फोर्स है, फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और जो डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरफ हो रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, इसका मतलब इन दोनों के बीच का एंगल थीटा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। रीजन समझ में आया क्यों थीटा 180 डिग्री लिया हमने? सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स, ये माइनस वन एट सॉरी ये माइनस आया 180 डिग्री पर से। और 180 डिग्री क्यों आया, यहाँ पर मैंने आपको फिगर में समझा दिया। चलिए इसको इक्वेशन नंबर हम 2 दे देंगे। नाउ टोटल वर्क डन, इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट पी इज गिवन बाय डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू। टोटल वर्क डन फाइंड करना है तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, यानी कि इंटीग्रेशन फ्रॉम इनफाइनाइट टू आर माइनस एफ इंटू डी एक्स, ठीक है, दैट इज इनफाइनाइट टू आर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। चले अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं डी एक्स की वजह से एक्स के लिए इंटीग्रेशन हो रहा है, तो एक्स के सिवा जो भी क्वांटिटी है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वो सारी बाहर चली जाएगी, फ्रॉम इनफाइनाइट टू आर 1/x² डी एक्स हो जाएगा, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम इनफाइनाइट टू आर x^2 - 2 डी एक्स। चले x^2 - 2 का इंटीग्रेशन होता है x^-1/-1 फ्रॉम इनफाइनाइट टू आर, तो इसको लिखा जाता है माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1/x इनफाइनाइट टू आर। अच्छा ये जो माइनस है और ये जो बाहर माइनस है दोनों कैंसिल होके प्लस हो जाएगा, सो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/ एक्स की जगह पर अपर लिमिट, तो अपर लिमिट है आर माइनस 1/ एक्स की जगह पर लोअर लिमिट इनफाइनाइट, 1/ इनफाइनाइट 0 होता है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/ आर, ये हो जाएगा, ठीक है। सो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, चलो दिस वर्क इज इक्वल टू द पोटेंशियल एट पॉइंट पी, सो बीपी इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो बीपी इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, वीपी इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, आपका फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों वी इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। आई होप सबको ये वाला समझ में आ गया होगा, ठीक है एवरीबॉडी। चलो एक नोट लिखवा रहा हूँ, सब लोग ये चीज अपने दिमाग में बिठा लेना।
अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विच प्रोड्यूसेस पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. वाइल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस. नेगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है ना. इसका इक्वेशन नंबर 4 भी बताइए. फ्रॉम इक्वेशन 4 we can say that at equal distances from a point charge Q, value of V is same. So इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज इज स्फेरिकली सिमेट्रिक. ओके यहाँ पर मैं एक बॉक्स ड्रॉ कर रहा हूँ. ये जो बॉक्स है ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ई पोटेंशियल वी वर्सेस डिस्टेंस आर का ग्राफ शो कर रहा है. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई पोटेंशियल वी वर्सेस आर का ग्राफ ड्रॉ कर रहा है. चलो यहाँ पर 0, यहाँ पर वैल्यू 0.5, यहाँ पर वैल्यू 1.0, यहाँ पर वैल्यू 1.5, यहाँ पर वैल्यू 2.0, यहाँ पर वैल्यू 2.5, यहाँ पर वैल्यू 3.0, यहाँ पर वैल्यू 3.5, 4.0, 4.5 एंड 5. इसी तरह से यहाँ पर भी 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 एंड 5. इस तरह से आपका ग्राफ होगा. ठीक है, चलिए ना, ये जो ग्राफ है
आपको इस तरह से। हाँ ओके, और मैं जो सेकंड कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, वो आपका ये आपका वी है, ये आपका ई है। अच्छा, वी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r एंड ई इज प्रोपोर्शनल टू 1/r2, इसी वजह से ग्राफ में डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। ओके, फॉर अ सिंगल चार्ज एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/r2, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r2 एंड वी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, वेयर आर इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज। आई होप सबको ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा बच्चों, इज इट सो? एवरीबॉडी, ये वाला टॉपिक यस सर, देखो, यस सर, इतना यस देखो, सर, 3 मार्क्स में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये आपको इतना लिखना कंपलसरी है, ये टॉपिक तब तक यस सर, हो पाएगा। चलिए ठीक है, मैम अभी इसके बाद इसको डिस्कस करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, जब एक से ज्यादा सिस्टम हो तो उसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक का डिस्कशन कर लेते हैं। अभी हम सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज करो ये आपका पॉइंट पी है। अच्छा, ये पॉइंट पी पर यहाँ पर Q1 चार्ज, यहाँ पर Q2 चार्ज, यहाँ पर Q3 चार्ज, यहाँ पर Q4 सर आपका चार्ज। वॉइस बहुत लो आ रहा है सर। अच्छा, यहाँ पर चार्ज Q1, Q2, Q3 एंड Q4। अच्छा, Q1 से P तक का डिस्टेंस R1, Q2 से P तक का डिस्टेंस R2, Q3 से P तक का डिस्टेंस R3 एंड Q4 से P तक का डिस्टेंस है R4। बोलो, क्लियर एवरीबॉडी? ये फिगर समझ में आ गया सबको? यस सर, सो नाउ अभी कैसे लिखेंगे? कंसीडर अ सिस्टम मेड अप ऑफ
एन चार्जेस। Q1, Q2, Qn, एन देयर डिस्टेंस। R1, R2, RN, रेस्पेक्टिवली। फ्रॉम पॉइंट पी, ठीक है, पॉइंट पी से सभी के डिस्टेंस R1, R2 अप टू RN है। वी वॉन्ट टू फाइंड पोटेंशियल ड्यू टू ऑल द चार्जेस एट पॉइंट पी। ओके, सो आई कैन राइट पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू Q1 चार्ज। V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1P। ओके, उसी तरह से सिमिलरली V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2P। V3 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3/R3P अप टू Vn 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn/RNP। ये सारे अलग अलग पोटेंशियल है फ्रॉम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके, रिजल्टेंट पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू टोटल चार्ज इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ दी पोटेंशियल ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। So V is equal to V1, V2 plus up to plus Vn. Okay. So V is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1/R1P, 1/4 pi epsilon naught Q2/R2P plus up to plus 1/4 pi epsilon naught Qn/RNP. ये आपका इक्वेशन हो जाएगा। सो मैं सब में से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल सकता हूँ,
फिर से बनेगा क्यू वन अपॉन आर वन पी, क्यू टू अपॉन आर टू पी, प्लस अप टू प्लस क्यू एन अपॉन आर एन पी। चलो तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ जनरल फॉर्म, वी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n क्यू आई अपॉन आर आई पी। ये आपका इक्वेशन हो गया, ठीक है बच्चों, ये आपका इक्वेशन हो गया जो आपको याद रखना है। तो इस तरह से आप टोटल पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं, टोटल पोटेंशियल इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। नाउ अभी यहाँ पर एक चीज बच्चों देखने जैसी है, ठीक है, क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं कुछ इस तरह से। तो ओके, क्वेश्चन होगा जीरो पोटेंशियल, बिटवीन टू चार्जेस, तो दो चार्जेस के बीच में कौन से पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होगा ये हमें फाइंड करना है। चलो तो सपोज करो ये आपका पॉइंट पी, ओके सपोज करो ये आपका पॉइंट पी है जहां पर आपने 4 माइक्रोकुलम चार्ज रखा है। नाउ इसको कनेक्ट करते हैं दूसरे छोर पर, पॉइंट क्यू है जहां पर आपने -2 माइक्रोकुलम चार्ज रखा है। नाउ सपोज करो यहाँ पर बीच में कोई एक पॉइंट है ए, अच्छा जिसका 4 माइक्रोकुलम से डिस्टेंस, एक्स है, पी एंड क्यू के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, पी एंड क्यू के बीच का जो डिस्टेंस है सपोज करो वो 1 मीटर है। अच्छा 1 मीटर होने की वजह से, 1 मीटर होने की वजह से ये जो वैल्यू है ए से क्यू तक का, दैट इज 1 माइनस एक्स। चले तो यहाँ पर आप सीधे ही V1 इज इक्वल टू V2 लिख दीजिए। अच्छा V1 मतलब के Q1 बाय एक्स, के Q2 बाय 1 माइनस एक्स, ठीक है, के कैंसल हो गया। अच्छा अगर मैं यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, यानी 4 × 10^-6 अपॉन x इक्वल टू 2 × 10^-6 अपॉन 1 माइनस एक्स। चले 10^-6, 10^-6 कैंसल, यहाँ पर हो जाएगा 2, तो 2 ((1 - x) इक्वल टू एक्स, तो ये हो जाएगा 2 - 2x इक्वल टू एक्स, तो इसका मतलब x 3x हो जाएगा, 2x उस तरफ जाएगा तो इक्वल टू 2, यानी x इक्वल टू 3/2। x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, ओके अच्छा गलती हो गया यहाँ पर, तो टू बाई थ्री होगा ना, क्योंकि x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो 3 नीचे जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3। एवरीबॉडी क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे बच्चों।